एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निहारिका, आपका अपने यूट्यूब चैनल मदर केयर में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है नॉर्थ इंडिया में, ऐसे में खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, चाहे बड़े हों या बच्चे हों। तो आज मैं आपके लिए पाँच ऐसे हेल्थ ड्रिंक लेके आई हूँ जो आप अपने बच्चे को इस गर्मी में दे सकते हैं, जिससे उसकी बॉडी हाइड्रेट रहे ताकि उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर बॉडी में पानी की कमी हो जाती है इस गर्मी में तो डायरिया होने का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में आपको अपने बच्चे को हाइड्रेट रखना है बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें ऐसी चीज़ें का सेवन कराना है ताकि उनकी बॉडी हाइड्रेट रहे, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन से फाइव ऐसे हेल्थ ड्रिंक है जो आप अपने बेबी को समर में दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अपने चैनल पे हेल्थ रिलेटेड, बेबी के हेल्थ रिलेटेड और मदर के हेल्थ रिलेटेड वीडियो लेके आती हूँ, साथ साथ मैं मदर के लाइफस्टाइल की वीडियो भी लेके आती हूँ। तो आपको इस चैनल पे बहुत सारी नई चीज़ें देखने को और सीखने को मिल सकती हैं। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बगल में बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला हेल्थ ड्रिंक कौन सा है। तो सबसे पहला जो ड्रिंक है जो आपको समर्स में अपने बेबी को देना है वो है वाटर। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस गर्मी में कि आप अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं। तो अगर आपका छोटा बेबी है 6 मंथ से ज़्यादा तो आप उसे वाटर दे सकती हैं, और अगर 6 मंथ से अभी छोटा है आपका बेबी तो उसके लिए ब्रेस्ट मिल्क सबसे अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो BM होता है उसमें 70% वाटर होता है, तो आपको अलग से अपने बच्चे को वाटर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, बहुत सारी मदर पूछती हैं कि बहुत ज़्यादा समर्स बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ऐसे में क्या मैं अपने छोटे बेबी को जो 6 मंथ से अभी छोटा है उसे 1-2 चम्मच पानी दे सकती हूँ या नहीं दे सकती हूँ। तो बिल्कुल भी ना दें, ऐसा कोई ज़रूरत ही नहीं है उन्हें, क्योंकि वो या तो BM पे होते हैं या फॉर्मूला मिल्क पे होते हैं, तो इन दोनों में उनको पानी मिल रहा है तो उनको अलग से पानी की कोई ज़रूरत नहीं है अभी उनके बॉडी में। तो आप बिल्कुल भी 6 मंथ से छोटे बच्चे को पानी ना दें या कोई भी ड्रिंक अभी उन्हें देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आप उन्हें सेमी सॉलिड फूड अभी इंट्रोड्यूस करें। तो ये तो पहला हेल्थ ड्रिंक था, वो था वाटर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसे तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। चाहे आप कोई भी ड्रिंक अपने बच्चे को पिलाएं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी, वो आप अपने बच्चे को दे सकती हैं। दूसरा जो बहुत ईजिली आप घर पे बना सकती हैं वो है वाटर मिलन का जूस। वैसे आप रॉ वाटर मिलन भी दे सकती हैं, पर छोटे बेबी को रॉ वाटर मिलन देने में थोड़ा सा रिस्क होता है क्योंकि जो उसके बीज होते हैं अगर वो पेट में चल जाए तो छोटे बेबी के लिए एक डेंजर हो सकते हैं। तो आप ज़्यादा बेटर है आपके लिए ये ऑप्शन कि आप वाटर मिलन का जूस बना लें, जो कि बहुत ईजिली आप घर पे बना सकती हैं, और उसे ज़्यादा उसमें आइस क्यूब ना मिलाएं क्योंकि बेबी के लिए अभी आइस डेंजरस हो सकता है। तो आप दूसरा जो हेल्थ ड्रिंक था वो है वाटर मिलन जूस, आप खुद भी ले सकती हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके लिए। ये ब्रेस्ट मिल्क के सप्लाई के लिए भी बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है, तो आप वाटर मिलन जूस खुद भी लें और अपने बेबी को दें, अपने पूरे फैमिली को दें इस समर में। तो थर्ड नंबर पे जो आता है वो है नींबू पानी। आप नींबू पानी खुद के लिए भी प्रिपेयर करें और अपने छोटे बेबी को भी दे सकते हैं, अगर वो 11 मंथ से बड़ा है तो ही उसे लेमन दें, और अगर वो 6 मंथ से छोटा है, सिक्स मंथ से बड़ा है तो आप ज़्यादा लेमन का यूज ना करें अभी अपने बेबी के लिए, क्योंकि जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं वो इतना जल्दी इंट्रोड्यूस नहीं करने चाहिए अपने बेबी को। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि मैं जो एज ग्रुप बोल रही हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप मेरा वीडियो फास्ट चले तो आप उसे रिवाइंड करके अच्छे से सुन लें कि मैं किस एज ग्रुप के लिए कौन सा ड्रिंक बता रही हूँ। तो जो लेमन वाला वाटर है वो आप 11 मंथ से ऊपर के बच्चे को ही दें, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ना तो ज़्यादा हम शुगर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ज़्यादा लेमन भी इंट्रोड्यूस करना सही नहीं है। तो ये जो लेमन वाटर है वो आप 11 मंथ से ऊपर बेबी को दें, इससे भी बॉडी में जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होने का खतरा रहता है वो बहुत हद तक कम हो सकता है।
फोर्थ नंबर पे जो ड्रिंक आता है वो है कोकोनट वाटर। इस गर्मी में आप खुद को हाइड्रेट रखने के लिए एंड अपने बेबी को हाइड्रेट रखने के लिए कोकोनट वाटर का इस्तेमाल करें। जितना ज़्यादा हो सके आप कोकोनट वाटर का इंटेक करें। जब भी आप छोटे बेबी को स्कूल छोड़ने जा रही हैं तो उसे रास्ते में एक कोकोनट वाटर दे दें। अगर आपका बेबी 6 मंथ से बड़ा है तो आप उसे 1 कप दे सकती हैं और कोकोनट, और अगर वो 11 मंथ से बड़ा है तो आप पूरा कोकोनट वाटर भी उसे दे सकती हैं। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि एक दिन में कोई एक ही जो जूस है वो इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि जो भी जूस मैं बता रही हूँ वो जब बहुत ज़्यादा ठंडा है तो उससे बच्चों को कोल्ड होने की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप मेक श्योर कर लें कि आपको पूरे दिन में कोई एक ही जूस अपने बेबी को देना है। तो ये था मेरा फोर्थ नंबर का जूस जो है कोकोनट वाटर। आप अपने बेबी को कोकोनट वाटर का जूस ज़रूर दें इस गर्मी में। फिफ्थ नंबर एंड जो लास्ट है वो है आम पन्ना। आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी है और आम पन्ना घर पे बनाना बहुत ज़्यादा इजी भी है। अगर इन सब में से ज़्यादा तो कोई रेसिपी वाला जूस है नहीं, एक वाटरमेलन हो गया, एक आम पन्ना हो गया। तो अगर आपको इन सब का रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगी। क्योंकि अगर मैं सारे जूस का रेसिपी बताने लगी तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। तो अगर आपको नहीं बनाना आता आम पन्ना तो आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें आम पन्ना बनाना आता है। तो आप उनकी हेल्प लें और इस समर में आम पन्ना अपने बच्चों को ज़रूर दें, खुद भी लें और अपने फैमिली को भी दें। तो ये 5 ऐसे हेल्थ ड्रिंक थे, वो था वाटरमेलन जूस, कोकोनट वाटर, लेमन जूस, लेमन वाटर जूस और आम पन्ना। ये 5 ऐसे जूस थे जो समर में आप अपने घर में ज़रूर बनाएं और अपने छोटे बच्चे को, अपनी फैमिली को, खुद को इस्तेमाल करें ताकि आपकी बॉडी पूरी तरह हाइड्रेट रहे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दें, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप कूल एंड बाय।